मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट्स दिए हैं जो कहा ये परमानेंट है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं, चीन से बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है, उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा, यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते, क्या वजह? किसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे, कब तक? उनका कहना, कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? उनका कहना है कि तीन फैमिलीज ने स्पेसिफिक टेररिज्म फैलाया है यहाँ पे, लोगों के अधिकार को उनको मिलने नहीं दिया, छीना है उनके अधिकारों को। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, वो जरा याद करें, जब कांग्रेस के नेता अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने दो रियासतों को कंपेयर किया राज्यसभा में, आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में उनने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है, क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये? जब यहाँ की हुकूमतों ने ये किया 370 में किया और हमने तरक्की की, क्या तरक्की दी इन्हें हमें इतने सालों में, कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहाँ लोगों के लिए अच्छी बात की, कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं, कहाँ से दिल मनाने की कोशिश की, कहाँ से इस दूरी को ख़त्म करने की कोशिश की, ये सिर्फ एक ढोंग दिखा रहे हैं लोग। राहुल गांधी आ रहे हैं रैली में, तो आप जा रहे हैं वहाँ सर? भैया राहुल गांधी सब कल आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं, मैं खुद बुद्दल में हूँ, पुंछ में। तो यू आर नॉट कैंपेनिंग फॉर, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हेदर आई हैव द टाइम। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने कहा डॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, और पाकिस्तान के वजीर, टेल यू पाकिस्तान के वजीर, डोंट वेट टिल द लास्ट बुलेट इज ऑफ, डोंट वेट, कैच द बुल बाय द हॉर्न नाउ, डोंट वेट टिल वी डाई मोर। उनका कहना है कि 90 के दशक से आप लोग शासन में हैं, लेकिन टेररिज्म हटा नहीं पाए जम्मू, क्या क्या हटाए टेररिज्म बीजेपी? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्हें टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए अभी जो वो जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया, कौन से मारे? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है, क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे, ये लोगों को ढोंग बताते हैं, वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, कहाँ है वो 15 लाख? झूठ झूठ और झूठ। एक बोले वजीर दिफा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये 370 वापस ला सकते हैं। उन्हें पढ़ा ही नहीं, अन्य अगर पढ़ा होता तो वो देखते कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो यहाँ हो नहीं सकती, ये लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों की आगे ले जाने की कोशिश, उनको इन मुश्किलों से निकालने की कोशिश। डॉक्टर साहब, जो महबूबा जी है उन्होंने कहा कि साउथ कश्मीर में है उनकी बर्दरी होगी और उनकी हिमायत के बगैर कोई पार्टी यहाँ सरकार नहीं बनाएगी, तो डू यू थिंक दे आर सो स्ट्रांग दैट दे कैन गिव अ कंपेंसेशन टू नेशनल? हाउ डू यू नो, हाउ डज एनीबडी नो? हैव यू गॉट अ दिलिस्मिक चिराग है जो आपको जिनको निकालें और कहेंगे बताओ कितना कौन जीतेगा? ये लोगों तक है, लोग क्या करेंगे वो वक्त। चलो सर।